युगों युगों से चल रहा है मेघ, ग्रह नक्षत्रों का सब है खेल। ब्रह्मांड में ग्रह रोज बदलते हैं अपनी चाल। आइए जानते हैं आज कौन सी राशि होगी माला माल। जय शनिदेव। प्रिय भक्तगणों, मैं स्वामी राजर्षि शनि पीठ मंदिर ईस्ट पटेल नगर नई दिल्ली से आज आपके समक्ष आज का राशिफल बताने के लिए उपस्थित हुआ हूँ। आपको जानकर हार्दिक प्रसन्नता होगी कि मैं 10 वर्ष की आयु से ही अपने पूजनीय पिताश्री गुरु रजनी शिशि जी के निर्देशन में एस्ट्रोलॉजी, न्यूमरोलॉजी और धर्म ग्रंथों का अध्ययन कर रहा हूँ। तो कैसे रहेंगे आज आपके सितारे, कैसा रहेगा आज आपका दिन, क्या करें क्या ना करें, किन चीजों से आज आपको सावधान रहना है, जानने के लिए आखिर तक देखते रहिए आज का राशिफल। आज 26 जनवरी 2020 दिन रविवार, माघ मास का शुक्ल पक्ष चल रहा है और आज प्रतिपदा तिथि मध्य रात्रि 4:31 तक रहेगी और उसके पश्चात द्वितीय तिथि लग जाएगी। आज अभिजीत मुहूर्त दोपहर 12:12 से लेकर 12:54 तक रहेगा। इस दौरान किसी भी शुभ कार्य की शुरुआत करने से आपको उसमें सफलता प्राप्त होगी। आज राहु काल दोपहर 4:35 से लेकर शाम 5:55 तक रहेगा। इस दौरान किसी भी शुभ कार्य को करने से आप सभी लोग परहेज करें। प्रिय भक्तगणों, आज गणतंत्र दिवस के अवसर पर मैं आप सभी भारतवासियों को दिल से हार्दिक बधाइयां देता हूं और भगवान से ये प्रार्थना करता हूं कि जिस प्रकार हमारे देश के जो बहादुर जवान हैं अपना सब कुछ, अपना घर बार छोड़कर हमारे देश की सीमा की रक्षा करते हैं, दुश्मनों को घुसपैठ करने से रोकते हैं, उसी प्रकार भगवान भी हमारे सभी सैनिक भाइयों के परिवार की रक्षा करे और उनके ऊपर कभी भी कोई भी आंच ना आने दे। प्रिय भक्तगणों, यदि आप में से किसी ने भी हमारे इस चैनल को अब तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो तुरंत ही सब्सक्राइब का बटन दबाएं और बेल का आइकन दबा के हमारे चैनल की हर नई वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले पाएं और हमारी इन वीडियोस को लाइक करें और अपने परिवार के सदस्यों के साथ और अपने दोस्तों के साथ इन वीडियोस को शेयर करें। अब मैं आपको बताने जा रहा हूं मकर यानी कि कैप्रिकॉर्न राशि वाले जातकों का आज का दिन कैसा बीतेगा। आज अपने लाइफ पार्टनर की स्वास्थ्य संबंधित परेशानियों के कारण आपका मानसिक तनाव बढ़ सकता है और डॉक्टर, केमिस्ट इत्यादि के चक्कर लगाने में आज आपका समय व्यर्थ होगा। प्रिय भक्तगणों, यदि आप अपने जीवन में किसी भी समस्या का सामना कर रहे हैं तो आप तुरंत ही स्क्रीन पर दिए हुए नंबरों पर हमें संपर्क करके गुरु रजनी शशि जी से या गुरु मां रुक्मणी से या मुझसे वीडियो कंसल्टेशन या फोन कॉल कंसल्टेशन के माध्यम से अपनी समस्या के लिए उपायों को प्राप्त कर सकते हैं। निश्चित तौर पर हमसे कंसल्ट करने के लिए आपको एक छोटी सी फीस देनी होगी जिसका उपयोग हमारे द्वारा समय समय पर यज्ञों, महायज्ञों के आयोजन करने में, हर मंगलवार और हर शनिवार को प्रसाद वितरण करने में और लड़कियों को फ्री कंप्यूटर एजुकेशन प्रदान करने में उपयोग में आती है। आज अपने लाइफ पार्टनर का तिरस्कार करना आपके रिश्तों के लिए अत्यंत हानिकारक होगा, इसलिए आज आप अपनी जबान पर काबू रखें। आज वर्क प्लेस पर हालात आपके अनुकूल रहेंगे और अपने सहकर्मियों की सहायता से आप अपने सभी कामों को सफलतापूर्वक अंजाम दे पाएंगे। आज आपको प्रमोशन का अवसर भी प्राप्त हो सकता है। स्टूडेंट्स भी आज पूर्ण जोश और उत्साह के साथ अपनी पढ़ाई में रुचि ले पाएंगे। यदि आप आज अपने लाइफ पार्टनर के नाम पर गौदान करते हैं तो इससे आपको अत्यंत शुभ फल प्राप्त होंगे। मकर राशि वालों, अगर आप अपने प्रेम संबंधों में प्रेमी प्रेमिका के बीच में कोई भी दिक्कतों का सामना कर रहे हैं तो आपको अपने हाथ में एक मंत्र सिद्ध प्राण प्रतिष्ठित हीरे की अंगूठी या उसका सब्स्टिट्यूट अवश्य ही धारण करना चाहिए। यदि आप स्वयं गुरु रजनी शिशि जी द्वारा अभिमंत्रित अंगूठियों को प्राप्त करना चाहते हैं तो आप अभी ही स्क्रीन पर दिए हुए नंबरों पर
हमें संपर्क कर सकते हैं। किसी भी रत्नों की अंगूठी को खरीदने से पूर्व आपको अपनी कुंडली का अध्ययन किसी योग्य एस्ट्रोलॉजर द्वारा अवश्य ही करवा लेना चाहिए। और यदि आप हमसे ज्योतिष परामर्श लेना चाहते हैं तो आप हमें संपर्क कर सकते हैं। अब मैं आपको बताने जा रहा हूँ एक ऐसा चमत्कारी उपाय जिसे करके आज कोई भी व्यक्ति मनचाही नौकरी पा सकता है। आज आप एक बड़ा सा पीला नींबू लें जिस पर कोई भी दाग ना हो। आप उस नींबू के चार बराबर टुकड़े कर लें और आज शाम को चौराहे पर जाकर चारों टुकड़ों को एक एक दिशा में रख दें। उसके बाद आप घर वापस आ जाएं, पर ध्यान रहे कि आप पीछे मुड़कर ना देखें। यदि आप आज इस उपाय को श्रद्धा पूर्वक करते हैं तो निश्चित तौर पर आप जल्द ही मनचाही नौकरी पा लेंगे। आज का आपका राशिफल देखते हुए मैं आपको 3 स्टार देता हूं। नाम वरुण घोष है। हम कलकत्ता से दिल्ली में आया था। बहुत दिन कुछ इधर उधर बहुत पंडित के पास गया था, कुछ काम नहीं हुआ। फिर अचानक इधर एक राजेंद्र प्लेस में गुरु जी का बैनर देख के हम इधर आया था। फिर हम नाक पहना है, पहनने के बाद हमको पहले से बहुत ही अच्छा काम हो रहा है। और लोगों को भी हम बोलना चाहता है जे आप लोगों का कुछ प्रॉब्लम गुरु जी के पास आइए, गुरु जी आप लोगों का प्रॉब्लम सॉर्ट आउट करेंगे। हमारे वेदों, पुराणों, धर्म ग्रंथों और ज्योतिष शास्त्रों पर आधारित उपायों को और अधिक जानने के लिए हमारे द्वारा बनाई गई और वीडियोस को यहाँ पर क्लिक करके आप देखते रहें।